नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंजर न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनपद जालौन पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 29 जनवरी 2020 को शिलान्यास किया गया था। एक्सप्रेसवे का 28 महीने के भीतर हुआ पूर्ण कार्य। 296 किलोमीटर लंबा है एक्सप्रेसवे। जालौन की कैथेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जी के मध्य शिष्टाचार अभिवादन के साथ विचार विमर्श भी हुआ कि केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की सौगात हम दिए या दे रहे हैं। 4,500 करोड़ की परियोजना है। पचनदवाद परियोजना 3,000 करोड़ की है। उसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी किसी अन्य कार्यक्रम में करेंगे। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती है बुंदेलखंड की जनता की। उन्होंने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन अवसर पर सिंचाई संसाधनों की दृष्टि से बड़ी सौगात दी। सिंचाई संसाधनों में वृद्धि होगी तो किसान भी समृद्ध व खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड में झांसी कलिंजर रामपुरा व कालपी के रानी झांसी मंत्रणा कक्ष को पर्यटन के रूप में सर्किट बनवाकर उन्हें विकसित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही। श्री मोदी जी ने प्रदेश में हुए विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी जी की तारीफ की और युवाओं का आह्वान किया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर गांव-गांव जाकर कुछ न कुछ कार्यक्रम कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताएं। मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील वंसल, क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, रामेंद्र वाना, दिलीप दुबे व उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, प्रदेश के राज्य मंत्री मुन्नू लाल कोरी, नंदी गुप्ता व जनपद के विधायक मूलचंद निरंजन, गौरी शंकर वर्मा, आरपी निरंजन, रमा निरंजन, जवाहर राजपूत, ब्रजभूषण राजपूत, रवि शर्मा समेत प्रमुख भाजपा नेता मौजूद थे। के श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, जालौन। बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लोकार्पण कार्यक्रम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेस वे यहां सिर्फ भाई जरा सा वाहनों तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो गया। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। अब दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। 2014 से पहले यूपी में सिर्फ 11,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। जरा आंकड़ा याद रखिए कितने हैं, कितने 11,000।
सेंटर काम कर रहे हैं। यात्रा याद रखोगे, एक समय में यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आंकड़ा याद रहा, कितने मेडिकल कॉलेज, जरा जोर से बताइए कितने, 12 मेडिकल कॉलेज। आज यूपी में 35 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है और 14 नए मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। मतलब कहां 14 और कहां 50। भाई और बहनों, विकास की जिस धारा पर आज देश चल रहा है उसके मूल में दो प्रमुख पहलू हैं। एक है इरादा और दूसरा है मर्यादा। हम देश के वर्तमान के लिए नई सुविधाएं नहीं गढ़ रहे बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ रहे हैं। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए हम 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटे हैं। और साथियों, विकास के लिए हमारा सेवा भाव ऐसा है कि हम समय की मर्यादा को टूटने नहीं देते। हम समय की मर्यादा का पालन कैसे करते हैं, इसके अनगिनत उदाहरण हमारे इसी उत्तर प्रदेश में है। काशी में विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण का काम हमारी सरकार ने शुरू किया और हमारी ही सरकार ने इसे पूरा करके दिखाया। गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी हमारी सरकार ने किया और उसका लोग। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।